So, hello everyone, this is Ridham Shrostha, MBBS third professor student from GSVM Medical College, Kanpur. So guys, ये वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनाया, मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने अराउंड 5-6 घंटा इस वीडियो के डेटा कलेक्शन के लिए मेहनत की है. पहली चीज जान लो, ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ पूरे YouTube, पूरे इंटरनेट पे तुम्हें कोई भी स्टेट रैंक के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, वो भी सारी कैटेगरीज की. मतलब मैंने लिटरली देख डाला, कोई भी एक भी बंदा नहीं है. मतलब इतने बड़े बड़े चैनल है, 400K चैनल है, पेड काउंसलर है, 25,000 आपसे रुपए लेते हैं, 10,000, 15,000, 25,000 आपसे पैसे ले रहे हैं, 100K चैनल है, उनकी 40-40, 50-50 लोगों की टीम है, स्टिल किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट रैंक के साथ सारी कैटेगरीज की. तो यार एटलीस्ट यार मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ पैसा ऐसा मैं कभी नहीं बोलता, मैं सबकी फ्री में हेल्प करता हूँ, कोई एक रुपया नहीं मांगता. बस आपसे एक छोटा सा शेयर चाहता हूँ कि आप लोग यार पहली चीज़ वीडियो सारे जितने नीट अभी जो काउंसलिंग करा रहे हैं, यूपी नीट वाली काउंसलिंग, उन तक तो सब तक पहुंचा दो. मतलब शेयर करना ही है भाई. देखो यार, अगर आप मेरे लिए लॉयल रहोगे तो मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा, ठीक है. शेयर करना ही करना है, चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ ही जो अपकमिंग नीट 2023 एस्पिरेंट्स है, 2024 एस्पिरेंट्स है, उनको ये चैनल सजेस्ट करना है. क्योंकि क्या होता है यार, काउंसलिंग के बाद मेरी रीच कम हो जाएगी. अब बताओ मैंने अच्छा काम किया, मैंने आपसे पैसे भी नहीं लिया, और बताओ फेमस वही लोग हो रहे हैं जो आपको 5 दिन में नीट का सिलेक्शन दिलाने वाली स्ट्रैटेजी बांट रहे हैं, ठीक है. तो मेरे को फेमस नहीं होना, मगर एटलीस्ट रीच आती तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि ठीक है, चलो यार कुछ लोग तो आ रहे हैं जिनकी मैं मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है. तो इतना आप कर दो बस यार, और मुझे मेरे को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मस्त रहो, ठीक है. तो देखो यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लिटरली. इसमें लोग स्टेट रैंक के साथ डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको रिजर्वेशन समझा देता हूँ. तो यार यूपी का रिजर्वेशन बहुत अलग तरीके से है. तो एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है. अब दो तरीके रिजर्वेशन है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ. जनरल की 40% सीटें, ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें, ओबीसी की 27% सीटें, एससी की 21% सीटें और एसटी की 2% सीटें, ठीक है. तो ये आपका टोटल 100% हो गया. अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी सब कैटेगरीज होती है. मतलब मान लो जनरल कैटेगरी का कोई बंदा है तो ये नहीं कि उसको सीधे सारी सीटें जो 40% उसको अवेलेबल हो जाएगी, नहीं, उसमें भी सब कैटेगरीज होती है, उसमें भी रिजर्वेशंस होते हैं. गर्ल्स के लिए 20%, ठीक है, पीएच के लिए 5%, एक्स सर्विसमैन के लिए 2%, फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए 2% और एनसीसी के लिए 1%. मतलब ये जो जनरल की सीट आई है उसमें ये परसेंटेज रहेगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जीएसयूएम में 250 सीट है. अभी सपोज कर लेते हैं कि चलो 15% सीट से आई थी, मैं नहीं गई, मैं मान ले रहा हूँ कि 250 सीट है पूरी, तो एक्सप्लेन करना आपको आसान रहेगा, कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगा. अब 40% सीट जनरल की कितनी हुई, मतलब 100 सीट्स हो गई, ठीक है. इसको बोला जाता है यूआर की सीट्स हुई, अनरिजर्व सीट्स हुई. मतलब इस सीट पे एससी एसटी ओबीसी जनरल सब लोग आ सकते हैं. अगर उनकी मान लो कोई ओबीसी है जिसकी स्टेट रैंक 50 है, उसको केजीएमसी अलॉट होगा तो उसको यूआर से अलॉट होगा, ठीक है. मतलब ये चेक होता है कि अगर उसकी कैटेगरी रैंक और उसकी यूआर रैंक, मतलब ओपन रैंक से, उसको अगर सेमी कॉलेज अलॉट हो रहा होगा तो यूआर से उसको अलॉट कर दिया जाएगा. तो मतलब आपकी कैटेगरी की सीट बची रहेगी, तो अल्टीमेटली लॉस यूआर का होता है यहाँ पे. खैर जो है सो है, उसको मैं नहीं चेंज कर सकता. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिजर्वेशन. तो 100 सीट्स आई जनरल कैटेगरी में, अब 20% सीट्स उसमें गर्ल्स को चली गई, मतलब 20 सीट गर्ल्स की है. अब बोलो सर अगर 40 गर्ल्स हैं तो क्या होगा, भाई रुको अभी बताता हूँ. 20 सीट्स तो गर्ल्स की है, ठीक है. 5% सीट्स पीएच को चली गई, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, 5% सीट्स उसमें चली गई. ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ फर्दर बोल के. अगर 250 सीट किसी कॉलेज में, तो 100 सीट का मैं बता रहा हूँ कि 100 सीट जनरल में आई, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. 20 सीट आपकी चली गई गर्ल्स को, 5 सीट चली गई पीएच को, 2 सीट्स चली गई एक्स सर्विसमैन को, 2 सीट्स चली गई फ्रीडम फाइटर को और 1 सीट्स चली गई एनसीसी को, ठीक है. तो टोटल कितनी सीट्स आपकी चली गई, मतलब कितना परसेंटेज शेयर चला गया, 30% शेयर चला गया. अब बचा 70% शेयर, मतलब जनरल की 40% सीट्स आई थी, मतलब 100 सीट आई थी, 100 में 30% तो निकल गई. मतलब अगर मैं लड़का हूँ, ठीक है, और मैं इसमें से कोई सब कैटेगरी में नहीं आता हूँ, सीधी सी बात है लड़का हूँ तो गर्ल्स कैटेगरी में नहीं आ सकता, एक्स पीएच फ्रीडम फाइटर एनसीसी कैडेट में नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑलरेडी भाई 40 का भी 70% अवेलेबल होगा. मतलब देखा जाए तो 28% ही सीट्स अवेलेबल होंगी, उसमें भी सब लोग आएंगे. उसको बोला जाता है यू आर ओपन. उसको क्या बोला जाएगा, यू आर ओपन. ओपन मतलब क्या होता है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, एवरीवन, मतलब समझ रहे हो, यू आर ओपन इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. मतलब आप लड़की हो, यू आर गर्ल हो, तो भी आप उस सीट को उठा सकते हो. यू आर फ्रीडम फाइटर हो तो भी सीट को उठा सकते हो. यू आर एक्स सर्विस मैन हो तो भी आप उस सीट को उठा सकते हो. मतलब इसमें आपको नहीं उठाना है, वो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से होगा चीजें, मगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ काउंसलिंग वर्क्स, हाउ रिजर्वेशन वर्क्स इन यूपी, ओके, इन यूपी नीट काउंसलिंग, ठीक है. सो समझ में आया, ऐसे सारी सब कैटेगरीज में, सारी कैटेगरीज में ऐसे सब कैटेगरीज बनी होगी, ठीक है. तो ये रिजर्वेशन का पूरा क्राइटेरिया होता है.
क्लियर हो गया होगा आप सबको कि क्या कितने कॉलेज में। तो इसका मतलब ये होता है कि हर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स सर्विसमैन की सीट देखा जाए या एनसीसी की देखा जाए, 1% सीट है। अब जिस कॉलेज में 100 ही सीट होगी उसमें जनरल रिजर्वेशन आया 40%, मतलब 40 सीट। अब 40 सीट का 1% मतलब क्या हुआ, 0.4। अब 0.4 सीट तो होगी नहीं, मतलब 0.4 सीट क्या मतलब होता है, 250 लोग को बैठा दिया जाएगा एक सीट पे, ऐसा नहीं भाई। तो इसका मतलब होगा कुछ कॉलेज में एनसीसी की सीट होगी उस पर्टिकुलर कैटेगरी, कुछ कॉलेज में नहीं भी होगी, ठीक है। तो ये होता है पूरा। होप अब आपको रिजर्वेशन तो क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे क्या है, और आप लोग ओपन का मतलब आप समझोगे, ओपन उस एक्सेसिबल टू एवरी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। यूआर का है तो यूआर का सबके लिए एक्सेसिबल है, मतलब ओबीसी एससी एसटी के लिए भी एक्सेसिबल है। मगर वही मैं अगर ओबीसी ओपन की बात किया जाए तो ओबीसी ओपन एक्सेसिबल होगा ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, मतलब उसमें गर्ल्स हो चाहे पीएच हो चाहे फ्रीडम फाइटर, वो भी एक्सेसिबल है। बाकी जो उनकी सब कैटेगरी है, जो पीएच है तो उसको एक्सेसिबल होगा वो भी, समझ में, मतलब ओपन, मतलब ओपन टू ऑल, ऐसा समझो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन कट ऑफ, क्योंकि देखो यार ओपन कट ऑफ से डिस्कस करना सही भी है, बाकी कट ऑफ तो यार हवा में तीर मार रहा है। इवन मतलब ये मैंने कट ऑफ बनाने के चक्कर में बहुत मेहनत की है, मतलब इतना ज्यादा मेहनत की है। मैं कल आया था ट्रेन से और मैं बहुत थका हुआ था, और फिर मैच वैच में लग गया भाई, जानते हो यार क्रिकेट लवर तो है यार, तो उसमें लग गया। उसके बाद से भाई देखना स्टार्ट किया, मेहनत करता है, रात को देर तक करे, फिर सुबह उठ के मैंने सीधा टेलीग्राम पे मैसेज भी डाल दिया कि लेट हो गया था। बहुत बच्चों के मैसेज आए थे, सर आपका आज वीडियो नहीं आ पाया, हमने बताया कि यार ऐसा ऐसा था, थक गए थे, नहीं हो पाया, मैं कल सुबह करता हूँ। मैं सुबह लिटरली 6:30-7 बजे से लगा हुआ था, और अभी 20 मिनट पहले ये लिस्ट कंप्लीट हो पाई है, बहुत मेहनत की है। देखो पूरा आईपैड बना के बैठा हुआ लिस्ट, ठीक है, तो पूरा भाई मेहनत करके बनी। तो इस वजह से मैं आपसे मांग रहा था कि भाई शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसमें मैं स्टेट रैंक्स बताऊंगा, कैटेगरी स्टेट रैंक नहीं बताऊंगा, ठीक है, स्टेट रैंक बताऊंगा, ओवरऑल स्टेट रैंक सारी कैटेगरी का, सारे कॉलेज का, पूरी यूपी के 31 कॉलेज का, ठीक है भाई, आग की तरह फैलाना वीडियो। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टेट के नंबर वन कॉलेज से, दैट इज केजीएमसी। केजीएमसी के लिए यूआर ओपन के लिए 110 स्टेट रैंक है ये सब, ठीक है, ओवरऑल स्टेट रैंक, ठीक है। यूआर ओपन के लिए 110, बीसी ओपन के लिए, बीसी ओपन मतलब ओबीसी ओपन, ठीक है, बीसी ओपन के लिए 245, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है। एससी ओपन के लिए 4150, एसटी ओपन के लिए 5400, ठीक है। आरएमएल की बात किया जाए तो आरएमएल के लिए यूआर ओपन के लिए 265, बीसी ओपन के लिए 460, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 440, एससी ओपन के लिए 4650, एसटी ओपन के लिए 5720, ठीक है। जीएसवीएम की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 450, बीसी ओपन के लिए 610, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 600, एससी ओपन के लिए 4850 और एसटी ओपन के लिए 6880। एमएलएन की बात किया जाए, एमएलएन प्रयागराज की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 640, बीसी ओपन के लिए 820, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 800, एससी ओपन के लिए 5050 एंड एसटी ओपन के लिए 7150, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। शुरू के चार कॉलेजेस का देखो मैंने बता दिया, अब तुमको करना क्या है, जैसे मैं अभी बताता जाऊंगा तुमको करना क्या है। देखो जो जो तुम्हारी तुमको स्टेट रैंक तो पता चल गई है, ठीक है, तो तुम देखो जो जो कॉलेज तुम्हारे, मतलब मैं जो रैंक कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ अगर उससे अंदर आ रहे हो तुम, ठीक है, तो वो कॉलेज तुमको मिल सकता है। तो तुम वो कॉलेज अपना लिखते जाओ, ठीक है, कि ये कॉलेज मेरे को मिल सकता है, ठीक है ना, उसके बाद उस प्रायोरिटी बना सकते हो अपनी, तो समझ में आ जाएगा तुमको कि कहाँ पे तुम लाई कर रहे हो। और याद रखना ये सेफ रैंक्स है, इससे ऊपर के कॉलेजेस में हो सकता है 20-25 रैंक नीचे भी चला जाए, कम चांसेस रहेगी। बहुत ऊपर के कॉलेज में जैसे ये चार कॉलेज में तो ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, पर एकदम नीचे की अगर बात करें तो हो सकता है 50-100 रैंक का भी डिफरेंस है, मतलब नीचे जाए आप सेफ रहोगे, अगर इतनी रैंक पाए हो तो सेफ रहोगे, जिस वजह से चिल रहो, ठीक है, अगर इस रैंक में आ रहे हो तो सेफ रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एलएलआरएम मेरठ की बात करते हैं तो यूआर ओपन के लिए 660, बीसी ओपन के लिए 900, ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहां पे नहीं है, एससी ओपन के लिए 5100 और एसटी ओपन के लिए 8900। जिम्स ग्रेटर नोएडा की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 750, बीसी ओपन के लिए 1100, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 920, एससी ओपन के लिए 5180 और एसटी ओपन के लिए 9000। अगर बात किया जाए एसएनएमसी आगरा की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 8840, ठीक है, बीसी ओपन के लिए 1060, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 5150 और एसटी ओपन के लिए 8950। अगर बीआरडी गोरखपुर की बात किया जाए तो यूआर ओपन के लिए 880, बीसी ओपन के लिए 1100, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1000 एंड एससी ओपन के लिए 5280 एंड एसटी ओपन के लिए 9050। अगर एमएलबी झांसी की बात किया जाए तो जनरल के लिए, मतलब यूआर ओपन के लिए 980, बीसी ओपन के लिए 1230, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1080, एससी ओपन के लिए 5350, एसटी ओपन के लिए 9500, ठीक है।
उसके बाद बात आते हैं नीचे सैफई में, सैफई की बात किया जाए सैफई ठीक है, तो यहाँ पे यूआर ओपन के लिए 1125, बीसी ओपन के लिए 1300, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1250, एससी ओपन के लिए 5450, एसटी ओपन के लिए 9900, ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो। फिर आते हैं ये शुरू के 10 कॉलेज हो गए ठीक है, फिर अयोध्या पे आते हैं, तो अयोध्या के लिए यूआर ओपन के लिए 1320, बीसी ओपन के लिए 1500, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1400, एससी ओपन के लिए 5950, एसटी ओपन के लिए 10500, मतलब 10500 ठीक है। आजमगढ़ की बात करते हैं इसके बाद, तो यूआर ओपन के लिए 1420, बीसी ओपन के लिए 1560, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी ओपन के लिए 5870 और एसटी ओपन के लिए 10700 ठीक है। उसके बाद बांदा की बात करते हैं, यूआर ओपन के लिए 1700, बीसी ओपन के लिए 1800, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी के लिए एससी ओपन के लिए 6280, एसटी ओपन के लिए 11300 11300 समझ गए ना। चलो बदायूं की बात करते हैं, तो यूआर ओपन के लिए 1620, बीसी ओपन के लिए 1850, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1730, एससी ओपन के लिए 6120 एंड एसटी ओपन के लिए 11100 ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बदायूं की, बस्ती की बात करते हैं, तो यूआर ओपन के लिए 1770, बीसी ओपन के लिए 1950, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1860, एससी ओपन के लिए 6300, एसटी ओपन के लिए 10600। उसके बाद बात करते हैं बहराइच की, तो यूआर ओपन के लिए 1800, बीसी ओपन के लिए 2000, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1940, एससी ओपन के लिए 6340 एंड एसटी ओपन के लिए 10800। तो उसके बाद बात करते हैं शाहजहांपुर की, यूआर ओपन के लिए 1750, बीसी ओपन के लिए 1950, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1830, एससी ओपन के लिए 6260 एंड एसटी ओपन के लिए 10700। उसके बाद बात करते हैं फिरोजाबाद की, तो यूआर ओपन के लिए 1525, बीसी ओपन के लिए 1820, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 1730, एससी ओपन के लिए 6100, एसटी ओपन के लिए 11000 ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा फिरोजाबाद तक ठीक है। उसके बाद मैं 2021 वाले कॉलेज डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आखिरी में एससीपी वाले कॉलेज डिस्कस कर लूंगा। एससीपी मतलब स्पेशल कंपोनेंट प्लान वाले कॉलेज, जहाँ पे 70% सीट्स रिजर्व है फॉर एससी एंड एसटी। ओके चलो पहले 2021 वाले कॉलेजेस के स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हरदोई की बात किया जाए, तो यूआर ओपन के लिए 2080, बीसी ओपन के लिए 2400, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2220 मतलब 2220 ठीक है, एससी ओपन के 6400 एंड एसटी ओपन के लिए 11600 ओके। देन फतेहपुर की बात किया जाए, तो यूआर ओपन के लिए 2170, बीसी ओपन के लिए 2450, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2360, देन फॉर एससी 6440 ठीक है, और फॉर एसटी 11800। उसके बाद बात किया जाए एटा की, तो एटा के लिए यूआर ओपन के लिए 2000 एंड फॉर ओबीसी 2300 मतलब 2300, ईडब्ल्यूएस के लिए 2100, एससी के लिए 6380 एंड एसटी के लिए 12200 ओके यस। देन गाजीपुर की बात करते हैं, तो गाजीपुर के लिए यूआर ओपन के लिए 2400, बीसी ओपन के लिए 2580, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2480, एससी ओपन के लिए 6600 और एसटी के लिए 11900। फिर प्रतापगढ़ की बात किया जाए, तो यूआर ओपन के लिए 2240, बीसी ओपन के लिए 2540, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2400, एससी ओपन के लिए 6460 एंड फॉर एसटी ओपन 12000। सिद्धार्थनगर की बात किया जाए, तो यूआर ओपन के लिए 2260, बीसी ओपन के लिए 2550, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2500 मतलब 2500 ठीक है, एससी ओपन के लिए 6620 एंड एससी ओपन के लिए 6580 एंड एसटी ओपन के लिए 10900। अच्छा ये करेक्शन करना चाहूँगा मैं, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2450 होगा, मैंने दूसरा डेटा देख लिया ठीक है सिद्धार्थनगर के लिए। अब बात करते हैं देवरिया की, तो देवरिया में यूआर ओपन के लिए 2130, बीसी ओपन के लिए 2400, ओबीसी ओपन ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2380, एससी ओपन के लिए 6550 और एसटी ओपन के लिए 11500। मिर्जापुर की बात किया जाए, तो यूआर ओपन के लिए 2170, ओबीसी ओपन के लिए 2420, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 2400, फॉर एससी ओपन इट विल बी 6560 एंड फॉर एसटी 12100। उसके बाद बात किया जाए जौनपुर की, तो यूआर ओपन के लिए 2360, बीसी ओपन के लिए 2550,
EWS ओपन के लिए 2500 मतलब 2500, फॉर SC ओपन 6620 एंड फॉर ST 10,100। अब चार कॉलेज बच रहे हैं SCP वाले, उनको डिस्कस कर लेता हूं। तो अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो UR ओपन के लिए 1260, BC ओपन के लिए 1480, EWS की सीट्स यहां पे नहीं है, चारों कॉलेजेस में नहीं है, SCP वाले कॉलेजेस में, ठीक है। तो EWS का 1480, SC ओपन का 592, EWS कह रहे सॉरी OBC का 1480, EWS की सीट्स नहीं है, SC का 5920 और ST का 10,800। उसके बाद बात किया जाए कन्नौज की, तो UR ओपन के लिए 1150 मतलब, ओबीसी के लिए 1360, ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी के लिए 5650 और एसटी के लिए 10,850। अगर बात किया जाए जालौन की, तो जनरल के लिए 1330 मतलब यूआर ओपन के लिए, ओबीसी ओपन के लिए 1600, ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी के लिए 6200, एसटी के लिए 11300। उसके बाद बात किया जाए सहारनपुर की, लास्ट कॉलेज 31 कॉलेज, मतलब लास्ट मतलब ये नहीं कि प्रियोरिटी में लास्ट है, मेरी लिस्ट में लास्ट है, ठीक है। तो भाई यूआर ओपन के लिए आपका 1180, बीसी ओपन के लिए 1550, ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, एससी के लिए 5900 और एसटी के लिए 11400। तो देखो भाई अगर ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो ये मान लो एसटी के लिए 12000 मान लो, एससी के लिए अराउंड 6620 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है 6600 मान लो, EWS के लिए मेरे अकॉर्डिंग 2500 आ रहा है तो वो मान लो, BC ओपन के लिए मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 2580, तो वही मान लो मैंने 2560 से 2580 बोला था, वही आ रहा है कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली मेरे अकॉर्डिंग। और UR ओपन के लिए जो मेरा कट ऑफ जा रहा है वो है 2400, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो रिजल्ट आएगा क्या होता है, इससे नीचे मिले आई प्रे कि आप जो भी इससे नीचे हो आपको कॉलेज मिले, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, हो सकता है पिछली बार जैसा, कोई जरूरी नहीं कि हर सालों की भाई राउंड टू की कट ऑफ राउंड वन से ज्यादा चली जाए, ठीक है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो उस हिसाब से अगर कुछ आपको डिलेमाज आ रहे हैं तो आप अपने डाउट्स यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। अब देखो भाई कितनी मेहनत लगी होगी ये वीडियो बनाने को, आपको खुद को समझ में आ रहा होगा भाई 5-6 घंटे से हवा भी नहीं बोला, दोनों लिस्ट को कंपैरिजन करना, कैटेगरी का क्या ट्रेंड रहा है, कैसा रहा है, इस बार बहुत अजीब सा ट्रेंड बना है, लोग कम रजिस्टर किए, बाद में लोग कम है, पहले मतलब शुरुआत में कम है, बीच में डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर कम हो जा रहा है, तो भाई बहुत अलग सी मेरिट लिस्ट है इस बार, तो उसको भाई एक्नॉलेज करके स्टेट उस पर बनाना, मतलब स्टेट रैंक पे बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क था, मगर सिंस आप लोग से प्रॉमिस किया था तो मेरे को करना था, एंड लिटरली मेरी कोई टीम तो है नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ, तो यार एटलीस्ट यार जो आपके ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपको क्रिंज बातें नहीं बता रहे हैं, आपको 5 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं, सॉरी 5 दिन में सिलेक्शन नहीं करा रहे हैं कि 5 दिन में कैसे 300 को 600 करें, ऐसा कोई भी वीडियो जो नहीं लेके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट यार उनको तो तुम लोग प्रमोट करो भाई, अपने लेवल पर इतना तो कर ही सकते हो भाई। सो गाइज एटलीस्ट मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करो, अपकमिंग नीट 2023 और 2024 एस्पिरेंट्स को भी एक्नॉलेजमेंट डालो कि यार ऐसा भी कोई चैनल है जो काफ़ी जेन्युइन है, ठीक है। बाकी तुम लोग को देख के लगेगा, बात करोगे मेरे से तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगा, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आए कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, मेरे को मैसेज करो, ठीक है। जेन्युइन क्वेरीज होनी चाहिए, फालतू की नहीं होनी चाहिए प्लीज, ठीक है। बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, परसों से सरदर्द कर रहा है भाई, लिटरली तुम लोग चारों तरफ पता है 500 से 600 मैसेजेस आ चुके हैं लिटरली, मतलब इंस्टाग्राम टेलीग्राम ये कमेंट यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इतने डाउट्स लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े थे वो लोग पूछ रहे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ से लोग कुछ लोग नंबर पा जाते हैं, प्लीज़ भाई नंबर पे कॉल मत किया करो ऐसे डायरेक्ट बिना पूछे भाई, मतलब लिटरली सरदर्द हो गया, कल मैं बैठ के लिस्ट बना रहा था और कॉल पे कॉल आई जा रही थी भाई, तो प्लीज़ अगर आपके पास नंबर है तो प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट तो मत ही करो यार, अपने लेवल पे रखो और प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज डाल दिया करो, पूछ लिया करो कब मेरे पास टाइम है, अगर आपकी जनून कर अगर वो सॉल्वेबल होगी मैं ऐसे लिख के टेक्स्ट में बता दूंगा, और अगर लगता है कि कॉल पे अगर करना चाहिए तो मैं कॉल पे डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा मैं डिस्कस करूंगा। तो ऐसे बड़ा बीच में भाई बड़ी दिक्कत हो रही थी, एनीवेज सो आपको पता चल गया होगा कि भाई किसको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलने जा रहा है, राउंड टू में से नीचे जाएगा, दिक्कत मत लेना, ठीक है, कोई भी टेंशन मत लेना, मॉपअप में और नीचे जाएगा, तो दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अगर इससे आपसे 150-200 रैंक नीचे हो कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी आए मेरे को मैसेज करो, ठीक है। तो चलो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, बिंदास रहो।